Today we will discuss how to open the registry edit on Windows 10. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने Windows 10 से रजिस्ट्री को ओपन कर सकते हैं, रजिस्ट्री को बना सकते हैं. जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्री एडिट होती क्या है. एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जो हमारी सेटिंग में स्टोर होती है. आप इसको अपनी सेटिंग में जाके खुद से क्रिएट कर सकते हैं, खुद से चेंज भी कर सकते हैं. जी हाँ, दिस इज़ वकार अली एंड आई वेलकम टू यू विकी लैब चैनल. मेरा नाम वकार अली है और मैं आपको अपने विकी लैब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके. चलते हैं हम अपने पहले स्टेप की तरफ. सबसे पहले आपने अपने सर्च बार में जाना है जो आपके स्टार्ट के साथ वाला बटन है. इसमें आपने रन टाइप करना है. ये देखिए आपके सामने रन ओपन होता है, देन आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है. क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक इंटरफेस शो होगा. आपने यहाँ पे रजिस्टर एडिट यानी कि क्लिक करके इंटर कर देना है. इंटर करने के बाद ये देखें आपके सामने एक फर्स्ट सेटिंग ओपन हो जाती है. इसी में आपको फर्स्ट स्टेप एक और बताता हूँ. आपने अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर का बटन हिट करना है. हिट करने के बाद आपने इसको इस पर लिखना है रजिस्टर एडिट. लिखने के बाद आपने इसको ओके कर देना है. ओके करने के बाद आपके सामने ये फर्स्ट सेटिंग शो हो गई है. चलते हैं अब अपने दूसरे स्टेप की तरफ. आपने फिर से जाना है अपने टाइप हियर टू सर्च बार में. आपने यहाँ पे टाइप करना है विंडोज पावर शेल. ये देखें ये आपके सामने शो हो गया. आपने यहाँ पे इसको करना है क्लिक. क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको रजिस्टर एडिट लिख देना है REGEDIT एंड आपने हिट कर देना है इंटर को. तो ये आपके सामने सेकंड सेटिंग ओपन हो गई है. इसको हम क्लोज करते हैं. चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ. थर्ड स्टेप में आपने जाना है अपने कंप्यूटर में. मैं यहाँ पे अपना टाइप करूँगा दिस कंप्यूटर एंड हिट इंटर. इंटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखें शो होगा क्विक एसेस. आपने इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपने एड्रेस बार में टाइप करना है रजिस्टर एडिट. रजिस्टर एडिट करने के बाद आपने इसको इंटर कर देना है. इंटर करने के बाद आपके सामने थर्ड स्टेप भी ओपन हो गया है. अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ. फिर से आपने जाना है रजिस्टर एडिट. आपने यहाँ पे लिखना है रजिस्टर एडिट. ये देखें REG मैंने यहाँ पे राइट किया तो इस आपके सामने ये शो हो गया. आपने इस पर क्लिक करना है. आप डायरेक्ट सेटिंग में पहुँच जाएंगे. ये था हमारा चौथा स्टेप. चलते हैं हम अपने पांचवें स्टेप की तरफ. सिंपली आपने अपने माउस से राइट बटन को क्लिक करना है. राइट बटन को क्लिक करने के बाद आपने जाना है न्यू में. न्यू में जाने के बाद आपने शॉर्टकट पे क्लिक करना है. शॉर्टकट को हिट करने के बाद आपने यहाँ पे इस टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम में टाइप करना है रजिस्टर एडिट. हमने रजिस्टर एडिट लिख दिया है. अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट. नेक्स्ट करने के बाद हमने इसको कर देना है फिनिश. अब ये शो हो गया है मेरे डेस्कटॉप पर. मैं आपको अभी दिखा देता हूँ. ये देखें ऑलरेडी मैंने किया हुआ था ये. ठीक है, इसको मैं आपके सामने ओपन करूँगा. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है. अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें. बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा. अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. मिलते हैं एक अच्छी और प्यारी सी वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.